हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर नंबर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो को हम चैप्टर नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को इस ही वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। आइए देखते हैं, क्लास नाइन्थ में चैप्टर नंबर 2 है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। हमें ये पता है कि मैटर की डेफिनेशन क्या है। हमने फर्स्ट चैप्टर में ये देख लिया था कि मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैटर की डेफिनेशन यहाँ पर आपको सभी को पता होगा, लेकिन इंट्रोडक्शन में हम फिर से एक बार देख लेते हैं। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग का मतलब क्या है? कुछ भी विच हैज़ मास, जिसके पास मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, वो सभी चीज़ें मैटर कहलाएंगी। आपका कॉपी, पेन, ठीक है, रबर, रेज़र, या फिर जो भी कुछ है, आपके कपड़े हैं, हम हैं, खुद हम में एक मैटर है। तो कोई भी चीज़ जिसमें कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम मैटर बोलते हैं। मैटर कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस, सेकेंड है मिक्सचर। तो हम यहाँ पर पहले प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स विच आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। प्योर सब्सटेंस में सिंगल टाइप यानी कि एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो कि सेम केमिकल नेचर के हों, ठीक है, उनका केमिकल नेचर सेम होगा और एक ही तरह के पार्टिकल्स वो यहाँ पर मिलते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स हों और उनका केमिकल नेचर भी सेम हो, वो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब क्या है कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर के एक या फिर एक से ज़्यादा टाइप जहाँ पर मिक्स होकर के मिलते हैं, उसको मिक्सचर बोला जाता है। यानी कि वो प्योर सब्सटेंस के एक या फिर एक से ज़्यादा पार्टिकल्स वहाँ पर मिलेंगे तो उसको बोलेंगे मिक्सचर, ठीक है। तो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्योर सब्सटेंस और मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स मिक्सचर। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स। डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि एक या फिर एक से ज़्यादा पार्टिकल्स को कंसिस्ट करने वाला मिक्सचर बोला जाता है। प्योर सब्सटेंस में बात करें तो सोडियम क्लोराइड, शुगर, ये प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। बट सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर। सोडियम क्लोराइड जब वाटर में डिजॉल्व होता है यानी कि बाय फिजिकल प्रोसेस, तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर ये देगा, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर, सोडियम क्लोराइड जो है वाटर में डिजॉल्व है, ठीक। सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व जब करते हैं किसके लिए, बाय फिजिकल प्रोसेस, तो ये सोडियम क्लोराइड और वाटर देता है जब इसको अलग किया जाता है। बट सोडियम क्लोराइड इज इट्सेल्फ ए प्योर सब्सटेंस। लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है वो प्योर सब्सटेंस है अपने आप में एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब सोडियम क्लोराइड के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यानी कि जो भी उसमें केमिकली मिक्स है, जुड़े हुए हैं, उनको हम फिजिकल मेथड से, फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। नोट पॉइंट पे देखिएगा, सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉइल है, ये सब जो है सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। द मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, क्योंकि सॉइल में, सॉफ्ट ड्रिंक में, इनमें सभी एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, इसलिए इसको हम मिक्सचर बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर होता क्या है। देखिए, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन सी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस तो वो उसमें होंगे, लेकिन हम मिक्सचर को फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। यानी कि जैसे नमकीन है, एक मिक्सचर है, नमकीन से हम अलग अलग पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं, सेल अलग कर देंगे, दाल अलग कर देंगे, ठीक है, भुजिया को अलग कर सकते हैं। इस तरीके से हम सबको अलग अलग कर सकते हैं अपने हैंड से, ठीक है। तो ये फिजिकल मेथड होता है। तो अगर हम किसी भी मिक्सचर को फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं और उसमें एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस हैं, तो उनको बोला जाएगा मिक्सचर। मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस।
होमोजेनस मिक्सचर और हेटरोजेनस मिक्सचर, इन दोनों को हम डीपली पढ़ने वाले। देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म ए मिक्सचर, कंपोनेंट के नेचर पर डिपेंड ये होता है, और हम तभी डिसाइड करते हैं कि मिक्सचर की ये कौन सी फॉर्म है। आइए देखते हैं। जैसे होमोजेनस मिक्सचर में क्या है, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनियस मिक्सचर इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्सड एंड देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम। एक मिक्सचर होमोजेनस मिक्सचर तब कहलाएगा जब वो यूनिफॉर्मली मिक्सड हो, यानी कि उसके जो कंपोनेंट हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्सड होंगे, और वो इस तरीके से मिक्सड होंगे कि उनमें अलग अलग बाउंड्रीज नहीं दिखनी चाहिए, मतलब हम पहचान ना पाए कि ये जो है ये वाला पार्टिकल्स ये है, ये पार्टिकल्स है। जैसे हम अगर वाटर में शुगर को मिक्स कर दें तो हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि शुगर पार्टिकल्स कहाँ हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म यानी कि होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। जैसे शुगर इन वाटर, ये एग्जांपल था। इसके बाद आता है हेटरोजेनस मिक्सचर। हेटरोजेनस मिक्सचर क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। ए मिक्सचर इज सेड टू बी हेटरोजेनस इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्सड, यानी कि जिसमें सभी कंपोनेंट्स मिक्सचर के यूनिफॉर्मली मिक्सड नहीं होते एंड देर आर विजिबल बाउंड्रीज, और वे अलग अलग बाउंड्रीज में दिखाई देते हैं, ठीक है, और उनको अलग भी किया जाता है, ठीक। तो वाटर एंड सैंड, वाटर और सैंड को मिलाए तो वाटर और सैंड कभी आपस में मिक्स नहीं होते, थोड़ी देर बाद में वो क्या होते हैं, सैंड अलग दिखता है, वाटर अलग दिखता है। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे उसको, हेटरोजीनस मिक्सचर बोलेंगे। बात करते हैं सॉल्यूशन की। इस सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर। देखिए, होमोजेनस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन बोलेंगे, हेटरोजीनस मिक्सचर को हम केवल मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, ये होमोजेनस मिक्सचर है और टू और मोर सब्सटेंस इसमें मिक्स होते हैं, दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस इसमें मिक्स होंगे तो उसको कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर। जैसे शुगर है, वाटर है, हमने जो है इसको मिक्स किया तो दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस, यानी कि दो सब्सटेंस तो हैं, तो इसको हम बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर। और होमोजेनस मिक्सचर जितने भी होते हैं उनको हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जैसे लेमनेड, सोडा वाटर, ये सभी क्या है, सॉल्यूशन है। नोट पॉइंट में देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस सॉल्यूशन कंटेन्स आइदर ए सॉलिड लिक्विड और एक गैस डिजॉल्व इन इट। मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स और गैस भी डिजॉल्व हो सकती है। सॉलिड सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं एलॉय, गैसियस सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं एयर, ठीक है। तो कोई कहे आपसे कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या है तो आप तुरंत बताएंगे एलॉय है, और कोई कहे गैसियस सॉल्यूशन क्या है, आपके चारों तरफ जो एयर है उसको गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे, यानी कि गैस का मिक्सचर है, और ऐसा मिक्सचर कि हमें पता नहीं चलता कौन सी गैस कहाँ है। तो ये सब जो है सॉल्यूशन कहलाते हैं। नोट पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एलॉय आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। एलॉय जो है वो मिक्सचर है दो या फिर दो से ज़्यादा मेटल्स का, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल्स का, ठीक है। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। और ये एलॉय ऐसा मिक्सचर होता है कि इसके जो भी कंपोनेंट्स होंगे, जो भी इसमें मिक्स होंगे, उनको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। बट स्टिल अभी तक एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर। अभी तक एलॉयज को मिक्सचर माना गया है, बिकॉज क्योंकि इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। मतलब क्या है कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी को शो कर देता है और कंपोजिशन को वेरी कर देता है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, अभी तक इसको मिक्सचर ही माना गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्रास है, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर। अगर हमें ब्रास बनाना है तो 70% कॉपर और 30% जिंक को आप अगर मिक्स कर दें तो आपका एक एलॉय तैयार हो जाता है जिसका नाम है ब्रास। नेक्स्ट है, सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट होता है जो किसी कंपोनेंट को अपने आप में घोल ले, और सॉल्यूट होता है जो अदर कंपोनेंट में घुल जाए।
ठीक है। तो जो घुल जाता है सॉल्यूट, जो घुलता है सॉल्वेंट। अगर आप वाटर और शुगर को लें तो शुगर वाटर में घुलती है, इस मतलब शुगर सॉल्यूट है और वाटर शुगर को घोलता है, इसका मतलब वो सॉल्वेंट है। आइए देखते हैं। सॉल्वेंट, ए सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट रखता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, मतलब क्या है कि सॉल्यूशन का एक ऐसा कंपोनेंट जो अदर कंपोनेंट को अपने आप में डिजॉल्व करता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूट क्या है? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट, सॉरी डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, मतलब द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, शुगर है, वाटर है, ठीक है। शुगर जो है वाटर में जाकर के मिक्स हो जाती है, ठीक है, और जिसका हमें कंपोजिशन दिखता है यानी कि वाटर का दिखता है, तो ये क्या है, सॉल्यूशन बना, ठीक है, शुगर और वाटर का। तो यहाँ पर वाटर जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और शुगर जो है वो क्या है, सॉल्यूट है, क्योंकि शुगर घुल गया और वाटर ने उसको घोल लिया। तो जो घोल लेता है वो होता है सॉल्वेंट और जो घुल जाता है वो होता है सॉल्यूट। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखिएगा, इस सॉल्यूशन इज़ ए होमोजेनस मिक्सचर, सॉल्यूशन हमेशा एक होमोजेनस मिक्सचर होगा। द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, वो और 1 नैनोमीटर बोल दिया जाता है 10^-9 मीटर इन द डायमीटर विच कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज, मतलब हम उसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, उनका डायमीटर इतना छोटा होता है 1 नैनोमीटर के बराबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं इसलिए हम उसको देख नहीं पाते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, क्योंकि उसके जो पार्टिकल साइज है वो बहुत छोटा होता है, दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, और वे बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, इसीलिए जो भी लाइट उससे पास होगी सॉल्यूशन से तो उसका पाथ हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमें पाथ दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन से मिक्सचर जो बना हुआ है यानी कि जो सॉल्यूशन है उससे अलग नहीं किया जा सकते। अगर हम फिल्टर करें तो क्या शुगर सॉल्यूशन बना हुआ है वाटर का, तो क्या शुगर को छान करके अलग किया जा सकता है, नहीं, ठीक है, तो नहीं कर सकते। द सॉल्यूशन इज स्टेबल एंड सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर मान लो चीनी और पानी का सॉल्यूशन बना हुआ है, आप थोड़ी देर रख दो तो ऐसा थोड़ी होगा कि सारी सारी चीनी नीचे बैठ जाएगी, नहीं होगा ना। तो क्या है, द सॉल्यूशन इज स्टेबल, तो उसी को क्या बोलते हैं, जैसा हम छोड़ेंगे वो वैसा सॉल्यूशन ही हमें आगे मिलेगा, स्टेबल उसको बोलते हैं। ए सॉल्यूशन इज स्टेबल एंड सॉल्यूट पार्टिकल, यानी जो चीनी के पार्टिकल्स उसमें हैं नॉट सेटल डाउन, वो नीचे नहीं बैठेंगे व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जब उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, वो नीचे नहीं बैठते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, When no more amount of solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution. मतलब क्या है कि कोई solution है उसमें हम जो है solute को घोलते जा रहे हैं, तो एक ऐसी condition आएगी जब इसमें solute घुलेगा ही नहीं, तो इसीलिए लिखा when no more amount of solute can be dissolved, यानी कि जब और ज़्यादा amount solute का उसमें dissolve नहीं हो सकता तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी, और जिस सिचुएशन में वो सॉल्यूट घुल नहीं रहा और, ठीक है, मतलब उसमें केवल इतना ही घुल सकता था, तो किसी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि कब तक उसमें सॉल्यूट घुलता रहता है, ठीक है। जब सॉल्यूट घुलना बंद हो जाए तो हम देख लेते हैं कि उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, बस उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं।
ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड ए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट का अमाउंट उसमें घुलता जाए, डिजॉल्व होता जाए, जब तक हम उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। जब उसमें सॉल्यूट घुलना बंद हो जाए तब उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और जितना सॉल्यूट उसमें घुल चुका है उसका अमाउंट अगर देखें तो वो उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। क्लियर है, आगे बढ़िए। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या है, कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन का क्या कहलाता है कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का उसमें प्रेजेंट है मास और वॉल्यूम के बेसिस पर। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन ए गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए गिवन मास और वॉल्यूम, किसी मास या फिर वॉल्यूम में सॉल्वेंट हमने लिया हुआ है उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है उसी को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी जितना सॉल्यूट हमने उसमें घोला और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो भी अमाउंट हमने सॉल्वेंट का लिया है, या फिर बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए अमाउंट मीन्स होता है मास या फिर वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हमने सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का लिया है उन सभी को। थ्री मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन, देखिए मास बाय मास यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे, मास बाय वॉल्यूम करेंगे तो जो मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करेंगे तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उन दोनों का रेशो इनटू में 100 करेंगे। ठीक है, तीन फॉर्मूलों को आप याद रखिएगा, इसी के बेसिस पर हम ये क्वेश्चन करते हैं। ए सॉल्यूशन कंसिस्ट या फिर कंटेंस 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 40 ग्राम सॉल्ट को हमने 320 ग्राम वाटर में घोला हुआ है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय मास का फॉर्मूला हमारे पास क्या, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है 40 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि जो वाटर है जिसमें वो घुलेगा वो है हमारे पास 320 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन अगर देखें तो देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स अगर कर दें तो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। इसका मतलब क्या है, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करके 360 ग्राम जो बनेगा वो सॉल्यूशन बनेगा। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है 40 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आया था 360 ग्राम इंटू 100, और यहाँ पर हम जिसको सॉल्व करेंगे तो 11.1% निकल करके ये आता है। नेक्स्ट है सस्पेंशन, देखिए सस्पेंशन मतलब नॉन होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी इसको बोला जाता है। देखिए इस सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। मतलब क्या है कि एक सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन वो क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, बिना घुले घूमते रहते हैं पूरे मीडियम में। ठीक है, जैसे चॉक वाटर में घोलें तो पूरी तरीके से नहीं घुलती है, स्मोक इन एयर तो वो भी दिखता रहता है, घूमते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आईज, जो इस सस्पेंशन के पार्टिकल्स होंगे हम उनको नेक्ड आइज से देख सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, देखिए इट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये हमें पता ही है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते और वैसे ही वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन जब सस्पेंशन की बात आए तो सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और उसके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्केटर ए बीम, सॉल्यूशन में हमने देखा था कि वो बीम को स्केटर नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा होगा कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स लाइट बीम को स्केटर करेंगे और उस लाइट का जो पाथ होगा उसको हम देख सकते हैं, इसी को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन द 100 नैनोमीटर, इट इज़ अनस्टेबल मिक्सचर, सॉल्यूट सेटल डाउन
एट द बॉटम ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि इसका साइज़ जो है पार्टिकल्स का वो 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, और अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो उसके तली में बैठ जाते हैं, जो भी बर्तन आप लोगे। इफ़ द सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू फिल्टर पेपर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट सेपरेटेड। अगर हम फिल्टर पेपर में इस सस्पेंशन सॉल्यूशन को, सस्पेंशन जो मिक्सचर है उसको लें, तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग दिखाई देते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन देखिए, द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजेनियस बट एक्चुअली हेट्रोजेनियस। मतलब ऐसा मिक्सचर जो दिखता तो होमोजेनियस है लेकिन एक्चुअल में होता हेट्रोजेनियस है, ऐसा मिक्सचर कोलोइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज। एग्जाम्पल इसका मिल्क। मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो दिखता तो होमोजेनियस है लेकिन होता हेट्रोजेनियस है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं दिख सकते, ठीक है, जैसे मिल्क है। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, दिस पार्टिकल्स कैन इजिली स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, विजिबल लाइट, दिस फेनोमिनन इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट बीम को स्कैटर कर देते हैं, और लाइट बीम जहाँ पर भी स्कैटर होती हुई दिखाई दे उसी को टिंडल इफेक्ट बोला जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल या फिर कोलाइड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज इंडिविजुअली। मतलब पार्टिकल्स को हम अलग अलग नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। इट इज़ ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते। साइज ऑफ पार्टिकल्स इज स्मॉलर देन सस्पेंशन बट ग्रेटर देन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से बड़े और सस्पेंशन से छोटे पार्टिकल्स इसके होते हैं। रेंज है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। इट इज़ ए स्टेबल मिक्सचर, यानी कि स्टेबल मिक्सचर है। स्टेबल का मतलब क्या था कि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें तो इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो नीचे नहीं बैठेंगे। इट इज़ ए स्टेबल मिक्सचर, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कुछ समय के लिए अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं बैठेंगे। दे डू नॉट सेटल डाउन वैन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, विच मीन्स कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। मतलब जो है कोलाइड सॉल्यूशन जो ऐसा होता है कि उसको हम ऐसे ही छोड़ दें तो उसके पार्टिकल्स जब भी नीचे नहीं बैठते हैं जैसे सॉल्यूशन में रहता है, ठीक है। तो यही लिखा गया है। आगे देखिएगा, ये टेबल आपके एनसीईआरटी में दी गई है, उसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखिए, द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इन ए फिजिकल चेंज ऑफ मैटर बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट ए चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सस्पेंस। देखिए, ऐसा इंटर कन्वर्जन मैटर की स्टेट्स में जो कि फिजिकल चेंज कहलाता है मैटर का, क्योंकि दीज चेंज एस मतलब यह जो चेंज होगा अकर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, इनके उसके कंपोजिशन को चेंज नहीं करता और ना ही चेंज करेगा उसके केमिकल नेचर को। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो चेंज होता है कि उसके उसका कंपोजिशन भी चेंज ना हो और उसके केमिकल नेचर भी चेंज ना हो, तो उसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में कलर चेंज हो सकता है, हार्डनेस चेंज हो सकती है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एट्सेट्रा, ये सब चेंज हो सकते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज गेट चेंज्ड आर केमिकल चेंज। मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज सस्पेंस की चेंज हो जाती है, ऐसे प्रोसेस को केमिकल चेंज बोला जाता है। सम केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑडोर एंड इन्फ्लेमेबिलिटी एट्सेट्रा। मतलब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि एक ऑडोर यानी कि बहुत बुरी गंध आती है और इन्फ्लेमेबल भी होती है, मतलब वो जल भी सकते हैं। आगे देखिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस ही काफ़ी ज़्यादा आता है। इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज फिजिकल स्टेट, शेप, साइज एंड एट्सेट्रा। मतलब फिजिकल चेंज में जो चेंजेस आएगा वो उसके फिजिकल स्टेट में, शेप में, साइज में चेंज आता है। इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन आर ऑब्जर्व, जब हमने उसको ऑब्जर्व किया तो केमिकल चेंज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं मिला।
लेकिन केमिकल चेंज में प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है जो उसकी केमिकली होती है। इट इज़ रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है लेकिन केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है, इसका मतलब है कि परमानेंट। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता लेकिन केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। अब देखिए टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस कौन कौन से हैं, एलिमेंट और कंपोनेंट, सॉरी कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि रॉबर्ट बॉयल जो है एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार 1661 में एलिमेंट वर्ड का यूज़ किया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था ये एलिमेंट होता क्या है, बस एलिमेंट वर्ड का यूज़ किया था। तो बाद में एंटोइन लॉरेंट डी लिवोजियर आए, 1743-94 के बीच इन्होंने जो है रिसर्च की। ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिसने पहली बार एक्सपेरिमेंटली एलिमेंट की डेफिनेशन को बताया। आइए देखिए, अकॉर्डिंग टू एंटोइन लॉरेंट डी लिवोजियर एलिमेंट इज़ ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि एलिमेंट जो है मैटर की एक बेसिक फॉर्म है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से सिंपल जो सब्सटेंस है उसमें इसको नहीं तोड़ सकते, ये एक ऐसी फॉर्म है मैटर की। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, एलिमेंट को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देख लीजिएगा, दे हैव लस्टर जिसको बोलते हैं शाइनी, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, यानी कि सिल्वरी ग्रे और येलो कलर के होते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या है कि कैन बी ड्रॉन इन टू वायर, वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, इसका वायर बना सकते हैं। दे आर मेलेबल, इसको हम हैमरिंग करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर सोनरस, यानी कि एक रिंगिंग साउंड निकलता है जब हम इसको हिट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा, ये सभी मेटल्स हैं, लेकिन एक मेटल्स ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर, वो है मरकरी। प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स में देख लीजिएगा, दे डिस्प्ले ए वेराइटी ऑफ कलर, मतलब ये वेराइटी ऑफ कलर्स में दिखाई देते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत कम कंडक्ट करते हैं। दे आर नॉट लस्टरस, ये लस्टरस नहीं होते यानी कि शाइनी नहीं होते। सोनरस, इनसे रिंगिंग साउंड नहीं आता। मेलेबल, इनसे जो है शीट नहीं बन सकती। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, या फिर कोल, कोक, ब्रोमीन और क्लोरीन, ये सभी जो हैं नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है मेटलॉइड्स। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है, ना तो वो मेटल्स होते हैं ना ही नॉन मेटल्स होते हैं, तो उन्हीं को हम मेटलॉइड्स बोलते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी मेटलॉइड्स में आते हैं। अब देखिए कंपाउंड्स क्या होते हैं। एक कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंपाइंड, ठीक है, यानी कि कंपोनेंट क्या है, सॉरी कंपाउंड्स क्या हैं। कंपाउंड्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट कंपोज्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, वो भी केमिकली कंबाइंड होते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे से इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में उसको कंपाउंड बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिक्सचर और कंपाउंड्स में डिफरेंस। देखिए एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपोनेंट इज फॉर्म, मतलब एलिमेंट और कंपाउंड को अगर हम दोनों को एक जगह मिक्स कर दें तो कोई नया कंपोनेंट नहीं बनेगा, लेकिन एक दूसरे में वो मिक्स हो सकते हैं। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपोनेंट, ठीक है, तो कंपाउंड अगर देखें तो कंपाउंड में एलिमेंट नया एक कंपाउंड बनाता है। ए मिक्सचर हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन, इसका जो मिक्सचर है वो वेरिएबल कंपोजिशन का होता है, और द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, और जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसका कंपोजिशन जो है वो फिक्स होगा। ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, मतलब जो भी उसमें सब्सटेंस मिले हुए हैं ये मिक्सचर उनकी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, जो भी नया सब्सटेंस बनेगा कंपाउंड में वो एक टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि टोटल डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलेगी। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फाइनली, सॉरी फेयरली इजिली बाई फिजिकल मैथड,
इसमें जो मतलब एलिमेंट हैं उसमें क्या जो मिक्सचर है उसको हम जो है अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। मतलब हम इसको केमिकल मेथड से ही अलग कर सकते हैं, ना कि फिजिकल मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सेकंड चैप्टर जो है ये एंड होता है, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप इस वीडियो को एंजॉय कर सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।